में कुछ महीने पहले एक अधिवक्ता के घर से लाइसेंसी रिवॉल्वर, 6 जिंदा कारतूस और नगद 15,000 रुपए चोरी हो गए थे, जिसकी शिकायत करने के बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त ने रिवॉल्वर ढूंढ निकालने के आदेश सभी पुलिस थाना के पुलिस कर्मचारियों को दिए थे। लाख कोशिशों के बावजूद आरोपी का सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच वाड़ी थाने की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को धर दबोचने में सफलता प्राप्त की और उससे चोरी हुई रिवॉल्वर और कारतूस भी जब्त किए गए। आपको बता दें कि रामनगर निवासी अधिवक्ता आनंद मनोहर परचूरे की लाइसेंसी रिवॉल्वर, 6 जिंदा कारतूस और नकद 15,000 रुपए चोरी हो गए थे। 16 जून 2021 को ये वाकया आनंद के दफ्तर में घटित हुआ था। इस दौरान अज्ञात आरोपी के खिलाफ अंबाझरी थाने में शिकायत भी दर्ज की गई थी और इसी मामले की गंभीरता से पुलिस आयुक्त ने रिवॉल्वर ढूंढ निकालने के आदेश भी दिए थे। लाख कोशिशों के बावजूद आरोपी का सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच वाड़ी थाने की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी। फिलहाल उससे चोरी हुई रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। कुछ दिन पहले श्री एडवोकेट परचूरे इनके घर से एक घरफोड़ी के प्रकरण में एक उनकी लाइसेंस्ड वेपन चोरी गई थी। शुरू में तपास स्थानीय पुलिस कर रही थी, बाद में उसको क्राइम ब्रांच को हैंडओवर किया गया था। इस बीच वाड़ी पुलिस स्टेशन की टीम श्री रायनावार और उनके अधीनस्थ टीम ने एक अत्यंत उत्कृष्ट डिटेक्शन किया और इसमें लाइसेंस वेपन रिकवर किया गया है। सुपुर्दनामा कोर्ट से सुपुर्दनामा के आदेश प्राप्त होने के बाद आज वो वेपन हमने उनको हैंडओवर किया है। मैं शहर पुलिस दल के तरफ से नागपुर शहर की जनता को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि शहर पुलिस दल के पास जो भी प्रोफेशनल ताकत है उस पूरी कार्यक्षमता के साथ क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन और कायदा सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए पूरी तरीके से हम प्रयत्नशील हैं और शहर की जनता का जो विश्वास और प्रेम शहर पुलिस दल पे कायम है उसी प्रकार की प्रेम और विश्वास आगे भी शहर पुलिस दल पे रहेगी, ऐसी मैं अपेक्षा और विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें कि उल्लेखनीय कार्य के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सोमवार को वाड़ी के अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कृत करते हुए उन्हें नकद 50,000 रुपए का इनाम दिया। कानूनी प्रक्रिया के बाद आनंद परचूरे को उनके रिवॉल्वर और कारतूस भी सौंप दिए गए। पिछले साल जून महीने में रात में मेरे घर में चोरों ने एंट्री करके मेरे दराज से रिवॉल्वर और कुछ कैश पैसे चोरी किए थे। मैंने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट दिया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जल्द से जल्द उसका तहकीकात होके कुछ ना कुछ रिकवरी होगी, लेकिन साल सवा साल गुजरने के बाद कोई यानी चोरी का मिलना एहसास नहीं हो रहा था। इसी समय मेरे को खबर मिली कि रायनावार साहब ने किसी को अरेस्ट किया है जिसके पास रिवॉल्वर बरामद हुआ है। वो पांड्रापुड़ी का ही छोटा सा चोर था जिसने पैसे चुराने के इरादे से मेरे घर में आया था और रिवॉल्वर की लॉटरी उसको लग गई थी। अब वो लोडेड रिवॉल्वर ड्रॉअर में छोड़ के वैसे ही चले जाना, ये थोड़ी मेरी गलती थी, लेकिन मुझे पुलिस मशीनरी पे विश्वास था और मेरे को पक्का गारंटी थी कि ये मैंने मेरा हार्ड अर्न्ड है तो ये मिलेगा ही। आपको बता दें कि लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस मिलने से रामनगर निवासी अधिवक्ता आनंद मनोहर परचूरे ने पुलिस के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा था और मेरे इसी भरोसे पर नागपुर पुलिस खरी उतरी है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।